बता दें कि देवघर एम्स पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एम्स में अब तक शुरू नहीं होने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शपथ पत्र जारी कर एम्स का उद्घाटन समेत सेवा बहाल नहीं किए जाने का कारण पूछा है। राज्य सरकार ने नवनिर्मित एम्स में ओपीडी सेवा बहाल करने को लेकर दायर की थी याचिका। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आयुष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, देवघर एम्स में अब तक ओपीडी सेवा बहाल नहीं की गई है, इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फिर केंद्र सरकार से कारण पूछा गया है। आज देखिए आरती, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि देवघर एम्स, नवनिर्मित देवघर एम्स बनकर तैयार है और बीते दिनों में इसका उद्घाटन भी होना था, लेकिन इस राजनीतिक कारण के हैं या फिर जो भी है जिसकी वजह से ये शुरुआत अब तक नहीं हो चुका है और बीच में इसको लेकर कई वाद विवाद भी सुनने को मिला था। दरअसल राज्य सरकार ने एक रिट याचिका दायर की थी और इस रिट याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इतनी जिस तरह से मौजूदा स्थिति है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे में इसके उद्घाटन को क्यों रोक दिया, ओपीडी सेवा तक बहाल क्यों नहीं, इसमें जो है केंद्र सरकार जवाब दे। यानी तो आप जवाब जिस तरह से केंद्र सरकार का आएगा या फिर कह सकते हैं जल्द ही देवघर एम्स शुरू हो सकेगा, ये राज्य सरकार की पहल से जो है ये होने जा रहा है। जी आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।